सुप्रभात बच्चों, आज संस्कृत में पढ़ते हैं नवमा पाठ षड ऋतु वर्णनम। षड ऋतु वर्णनम अस्माकं देशे षड ऋतवः भवन्ति। ते इमे वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शिशिराश्च। इतेषु वसन्तः ऋतुराजः इति कथ्यते। अस्य आगमः माघ शुक्ल पंचम्यां तिथौ भवति। अस्मिन् दिने वागदेव्याः पूजनमपि भवति। वसन्ते समशीतोष्ण वातावरणं भवति। शीतलः मन्दः सुगन्धः मलयानिलः प्रवहति। वने उपवने च विविधानि पुष्पाणि विकसन्ति। विकाः कुजन्ति। वनचराः नवचराः प्रमुदिताः भवन्ति। वृक्षाः नवपल्लवानि धारयन्ति। आम्रवृक्षाः मञ्जरीभिः अतीव शोभन्ते। ओके बच्चों, षड् ऋतु वर्णनम्, इसका तात्पर्य क्या है? षड छह ऋतु का वर्णन इस पाठ के माध्यम से किया गया है। तो चलिए देखते हैं। अस्माकं देशे षड ऋतवः भवन्ति। अस्माकं मीन्स क्या होता है? हमारा, ठीक है। तो अस्माकं देशे षड ऋतवः भवन्ति, हमारे देश में कितना ऋतुएं होती है? तो हमारे देश में छह ऋतुएं होती हैं। तेमे वसन्तः ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शिशिराश्च। ते इमे, वे इस प्रकार है, वसंत ग्रीष्म शरद वसंत ग्रीष्म वर्षा ऋतु शरद ऋतु हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। इनमें एतेषु वसंत ऋतुराजः इति कथ्यते। इनमें वसंत जो है ऋतुराजः अर्थात ऋतुओं का राजा कहलाता है। अस्य आगमः माघ शुक्ल पंचम्यां तिथौ भवति। और इसका आगमन कब होता है बच्चों? माघ शुक्ल पंचमी तिथि को होता है। माघ महीने के, है ना, कौन सी तिथि को? शुक्ल पक्ष में। एक महीने में कितना पक्ष होता है बच्चों? हाँ, एक महीने में दो पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष। तो 15 दिन का क्या हो जाता है? कृष्ण पक्ष होता है। और 15 दिन का क्या होता है? एक 15 दिन का शुक्ल पक्ष। तो 15 दिन का कृष्ण पक्ष और 15 दिन का शुक्ल पक्ष, टोटल कितना हो गया बच्चों? 30 डेज। तो एक महीने में 30 डेज। इस प्रकार से दो पक्ष होता है एक महीने में। तो कौन से पक्ष में इसका आगमन होता है? इसका आगमन मांग महीने में होता है। और कौन से पक्ष में होता है? शुक्ल पक्ष में। और तिथि कौन सा होता है? पंचमी तिथि होता है, है ना। पंचमी तिथि को इनका आगमन होता है। किनका? बसंत ऋतु का, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हम ये समझे यहाँ पर कि बसंत क्या है? ऋतुओं का राजा है। और इसका आगमन कब होता है? मांग शुक्ल की पंचमी तिथि को होता है। और ऋतुओं की संख्या कितने हैं बच्चों? छह ऋतुएं होती है। अस्मिन् दिने वागदेव्याः पूजनमपि भवति। इस दिन वाणी की देवी, वागदेव्याः वाणी की देवी माँ सरस्वती का पूजन होता है। वसंते समशीतोष्ण वातावरणम भवति। वसंत ऋतु में समशीतोष्ण वातावरणम, सम मीन्स क्या होता है बच्चों? समान, सम अर्थात न तो ज्यादा गर्मी और न ही ज्यादा ठंडी, अर्थात समान वातावरण है ना, जिनको जैसा वातावरण सबको पसंद होता है। और कैसे? तो बोलते हैं समशीतोष्ण वातावरण। सम ठंड भी सम मात्रा में रहेंगे, गर्मी भी सम मात्रा में रहेगा। ज्यादा ना तो ठंड होगा और ना ही ज्यादा आपको गर्मी जो है आप महसूस करोगे। कहने का तात्पर्य है कि सम वातावरण, समशीतोष्ण, ना तो ज्यादा गर्मी और ज्यादा ना ही ज्यादा ठंडी। तो इस प्रकार से ये समशीतोष्ण वातावरण होता है। किसमें? बसंत ऋतु में। शीतल मंद सुगंधा मलयानिल प्रवहति। शीतल, मंद और सुगंध
मलयानिले, अर्थात मलय पर्वत से बहने वाली सुगंधित हवा बहती है। कौन से वातावरण में, कौन से ऋतु में? बसंत ऋतु में। वने उपवने च विविधानि पुष्पाणि विकसन्ति। वन और उपवन में, वन और उपवन में, वन अर्थात जंगल और उपवन बगीचों में अनेक प्रकार के फूल खिलते हैं। पिका कुजंती, कोयल कुकती है। वनचरा नवचरा प्रमुदिता भवंती। वनचरा वन में चरने वाले पशु पक्षी, और नवचरा जो आकाश में उड़ने वाले हैं, वन में चरने वाले पशु और आकाश में उड़ने वाले पक्षी सभी जो है प्रमुदिता प्रसन्न होते हैं, सभी जो है प्रसन्न होते हैं। वृक्षा नव पल्लवानी धारयंती, वृक्ष जो है नए पत्ते धारण करते हैं। आम वृक्षा मंजरी भी अतीव शोभन्ते। आप लोगों को पता है बच्चों, उस समय क्या होता है, आम की जो वृक्ष जो है मंजरियों से बहुत सुंदर लगते हैं, मंजरियों मीन्स फूल लगने लग जाते हैं उसमें। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। वसंते गते ग्रीष्म आगच्छति। ग्रीष्म प्रचंड सूर्यातपेन धरातपति, प्रचंड घर्मोष्मण रोगकारकम विषम स्वेद बिंदु रूपेण शरीरात बहिः निर्गच्छति। हरिद्वर्णाम आम्रफलम पक्वा पितायते, तानि पक्वानि आम्रफलानि अतीव मधुराणि भवन्ति। ग्रीष्म ऋतो व्यतीते सती प्रचंडा समीरा प्रवहति, स एव वर्षा ऋतो आगमनम सूचयति। वर्षा ऋतौ जलधा स्व जलधारा भी पृथ्वी पूरयति। कृषका कृषि भूमि हलेन कर्षन्ति विजम्बन्ति च, अतिवृष्ट्या नद्य जलेन परिपूर्णा भवन्ति। वसंते गते ग्रीष्म आगच्छति। वसंत के जाने के बाद कौन सी ऋतु का आगमन होता है? ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। ग्रीष्म प्रचंड सूर्यातपेन धरातपति, और ग्रीष्म ऋतु में आप सबको पता है बच्चों क्या, कि सूर्य की प्रचंड ताप से धरती क्या हो जाती है, बहुत तप जाती है। प्रचंड घर्मोष्मणा रोग कारकम विषम स्वेद बिंदु रूपेण शरीरात बहिः निर्गच्छति। तेज धूप व गर्मी से रोग कारक विष पसीना के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। पसीना निकलता है, और कैसा पसीना, तो रोग कारक विष। तो इस प्रकार से क्या होता है, पसीना निकलना सेहत के लिए अच्छा होता है, है ना। हमें जो है हमारा जो शरीर है वे पसीना निकलते हैं, और हम खूब पानी भी पीते हैं गर्मी में, तो हमारा जो शरीर क्या होता है, स्वस्थ रहता है, और हम जो है क्या होते हैं, हमारे अंदर जो है क्या है, एक स्वस्थता का परिचय है, हम जो है अपने आप में अच्छा फील करते हैं। तो इस प्रकार से जो तेज धूप और गर्मी से रोग कारक विष पसीना के रूप में शरीर से निकलता है। हरित वर्णाम्रफलम पक्वा पितायते, और हरे रंग के आम के फल पककर क्या हो जाते, पक्वा पितायते पीले हो जाते हैं। तानि पक्वानी आम्रफलानी अतीव मधुराणी भवंती। तानी पक्वानी, और जो है पके हुए, वे जो पके हुए फल है, आम के फल है, बहुत ही क्या होते हैं, मीठे होते हैं। अतीव मधुराणी भवंती, बहुत ही मीठे होते हैं। ग्रीष्म ऋतो व्यतीतो अव्यतीते सती प्रचंडा समीरा प्रवहति। ग्रीष्म ऋतु बीतने पर, व्यतीत बीतने पर क्या होता है, तेज हवाएं चलती हैं। प्रचंड प्रचंड मीन्स तेज हवा, समीरा हवा प्रवहति बहती हैं। स एव वर्षा ऋतु आगमनम सूचयति, और वही वर्षा ऋतु के आगमन की सूचना देती हैं। वर्षा ऋतौ जलधा स्व जलधारा भी पृथ्व्यां पृथ्वीं पूरयति। वर्षा ऋतु में बादल अपने जल को धारा से, है ना, वर्षा ऋतु में बादल अपने जल की धारा से पृथ्वी को क्या करती है, तृप्त कर देते हैं। किसमें, वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु जलधा स्व जलधारा भी अपने जल की धारा से पृथ्वी को तृप्त कर देती है। कृषका कृषि भूमि हलेन करसंते विजम्बपन्ति च, और जो किसान होते हैं, कृषका मीन्स किसान होते हैं, वे कृषि भूमि को हल से करसंति अर्थात जुताई करते हैं, और बीजम व पंतिजा बीज को बोते हैं। अतिवृष्टिया नद्यः जलेन परिपूर्णाः भवन्ति। बच्चों जब वर्षा ऋतु होती तो क्या होती है, तो अधिक वर्षा से नदियां जल से परिपूर्ण हो जाती है।
नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। ततः शरद ऋतु आयाति चंद्रश द्व धौ ततः शरद ऋतु आयाति चंद्रस्य धवलज्योत्सनया संपूर्ण धरा जलमीव आभाति। तब शरद ऋतु आती है और चंद्रमा की शुभ्र किरणों से सारी पृथ्वी, चंद्रमा की धवल अर्थात शुभ्र किरणों से जो है सारी पृथ्वी जल की तरह क्या कहा संपूर्ण धरा जलमीव आभाति अर्थात संपूर्ण जो पृथ्वी है वो जल की तरह दिखाई पड़ती है। शरदी संपूर्ण भारतीया उत्सवेशु निमग्ना प्रतीयन्ते सर्दन्ते हेमन्तः आगच्छति हेमन्ते वयं महत् शीत मनुभवामः जनाः ऊण वस्त्राणि धारयन्ति दिवसः लघु निशा च दीर्घा भवति अस्मिन् काले तण्डुलयुक्ता शालयः कनकप्रभा इव दृश्यन्ते। ततः शिशिरः आयति शिशिरे सीता पवना वहन्ति वृक्षाणां पत्राणि जीर्णानि भूत्वा पृथ्व्यां पतन्ति शिशिर समापन अवसरे जना वसंत गमनस्य प्रफुल्लतायां पीतवस्त्राणि धारयित्वा हर्षमनुभवन्ति। संपूर्ण भारतीय उत्सवेषु निमग्नाः प्रतीयते शरद ऋतु में इसमें संपूर्ण भारती सर्दी शरद ऋतु में संपूर्ण भारतीय उत्सवेश उन्मगना प्रतीयते शरद ऋतु में संपूर्ण जो भारती हैं सारे भारती हैं उत्सवों में क्या होते हैं निमग्न प्रतीत होते हैं डूबे हुए प्रतीत होते हैं। सर्दंते हेमंता आगच्छति और शरद ऋतु के अंत में हेमंत आता है हेमंत ऋतु आता है हेमंते वयम महत शीत मनुभावामः। और जो हेमंत ऋतु में बच्चों क्या होता है बहुत ही किसका अनुभव होता है जो है ठंड शीत मीन्स ठंड का अनुभव करते हैं हम। और लोग जो जना ऊण वस्त्राणि धारयन्ति लोग क्या करते हैं कौन से वस्त्र धारण करते हैं ऊण वस्त्राणि जो ऊनी जिसको हम क्या बोलते हैं ऊन के वस्त्र किसका वस्त्र पहनते हैं लोग जो है ऊन के वस्त्र अर्थात गर्म कपड़े पहनते हैं। दिवसा लघु निशाचा दीर्घा भवती दिवसा लघु अर्थात लघु मीन छोटा दिन छोटा और रात बड़ी हो जाती है दीर्घा भवती अस्मिन काले तंडुलयुक्ता शालयः कनकप्रभा इव दृश्यन्ते। और इस समय चावल युक्त धान सोने के समान कांति युक्त दिखाई देते हैं जैसे कि अभी चल रहा है बच्चों है ना अभी हम इस जो मौसम है या फिर एक वातावरण को देख सकते हैं इस समय जो है धान की बालियां जो है धान में लगे हुए हैं और वो कैसे दिखाई पड़ते हैं जैसे कि सोने के समान कांति युक्त दिखाई देते हैं। तथा शिशिरायति और फिर तब शिशिर ऋतु आती है शिशिर ऋतु शिशिरे सीता पवना बहन्ति और शिशिर ऋतु में ठंडी हवा बहती है वृक्षाणाम पत्राणि जीर्णानि भूत्वा पृथ्व्यां पतन्ति वृक्षों के जो पत्ते होते हैं वे सब जीर्ण होकर के जीर्णानि अर्थात पुराने होकर के भूत्वा होकर के पृथ्व्यां पतन्ति पृथ्वी पर गिरते हैं। शिशिर समापन अवसरे जना वसंत गमनस्य प्रफुल्लतायां पीत वस्त्राणि धारयित्वा हर्ष अनुभवन्ति। शिशिर ऋतु के समापन के अवसर पर लोग वसंत के आगमन की खुशी में पीले वस्त्र पहनते हैं और खुशी का अनुभव करते हैं। ओके बच्चों तो ये तो रहा आप लोगों का 6 ऋतु का वर्णन। ओके तो ये जो है इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा समझिएगा और इसमें किसी प्रकार से डाउट होने पर आप लोग मीटिंग में कंसल्ट करिएगा। ओके बच्चों।